Hey guys, this fat bag of FF. Ever wanted to install a speedometer on a bicycle, but then you thought, yaar, ye bahut zyada expensive hoga. What if I tell you that speedometer only costs 250 rupees? So in this video, I will be teaching you how to install wireless and wired speedometer, and even telling you about some GPS apps and heart rate monitor. In this video, I will be using my Overridge Hillside, and the reason is ये भी proper नई bike है, इसमें मैंने कोई भी mods नहीं करे हैं, and ये काफी fast bike है, so I need to track the speed. Now let's start with the installation. So the package is right here. I got this from Gearbest.com. Let's see अंदर क्या है. You have this wired speedometer, this Sunding speedometer. Then you also has this H6 heart rate monitor. इस heart rate monitor के बारे में बिल्कुल end में बताऊंगा मैं आपको. In the package, you get this speedometer. इसमें काफ़ी वारे features हैं, like speed है, odometer है, trip distance है, maximum speed है, सब कुछ है. Basic speedometer में जो आपको चाहिए होता है वो सारा है इसमें. इसको फटाफट से open कर लेते हैं. Obviously जो भी चीज़ मैं open यहाँ पर करूँगा उसका trash मैं पीछे नहीं छोड़ के जाऊँगा. So you have the instruction manual, the speedometer unit, the mount and the magnet sensor, the magnet, and in the last you have the cable ties. First क्या करते हैं, हमारा जो mount है magnet sensor के साथ आया है, उसको open कर लेते हैं फटाफट से. Then हम क्या करेंगे, ये mount लेंगे and साथ में हम ये magnet लेंगे. हमें क्या करना होगा, हमें इसको यहाँ पर लगाना होगा mount को, and जो magnet होगा वो आपका spokes पे लगेगा. पहले हम ये decide करते हैं कि हम यहाँ पर इसको sensor को कहाँ पर लगाएंगे. So इसका sensor अगर हम यहाँ पर लगाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट रहेगा. एक और चीज़, कई लोग क्या करते हैं, इस सेंसर को इतना ऊपर लगा लेते हैं, एंड दैट इज़ नॉट गुड. ये सेंसर जितना नीचे रहेगा उतना ही आपके लिए बेटर है. क्यों, क्या होता है, जब आपका व्हील रोटेट करता है उसकी स्पीड क्या होती है, ऊपर आपकी स्पीड ज़्यादा होती है, नीचे आपकी स्पीड कम होती है. एंड ये जो सेंसर होता है ये सिर्फ इसकी टाइमिंग को मेजर करता है जो कि सेम रहती है. सो अगर आप इसको नीचे रखेंगे तो वो ज़्यादा आपके लिए बेटर कॉन्ट्रैक्ट देगा एंड आपको बेटर रीडिंग देगा. ना एक और चीज़ है कि आप डिस्क की साइड पे भी लगा सकते हैं, आप इस साइड भी लगा सकते हैं दूसरी साइड पे. बट व्हाट आई डू, मैं डिस्क की साइड पे लगाता हूँ इसको, एंड द रीज़न इज़ ये जो केबल आ रही है डिस्क की, मैं इसके साथ इस स्पीडोमीटर को कनेक्ट कर देता हूँ, एंड ये थोड़ा सा ज़्यादा क्लीन लगता है. बट अगर आप दूसरी साइड पर लगाएंगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता. नाउ द मैग्नेट हैज़ बीन अटैच्ड. तो अब हम क्या करेंगे, हम ये केबल टाइस ले लेंगे. केबल टाइस पे ओपन कर लेते हैं. अब हम ये वाला सेंसर लेंगे जिस पे वायर लगी हुई है. सेंसर की जो साइड होगी ये वाली, उसको हम मैग्नेट से मैच करेंगे. ध्यान रखिए जो इसमें डिस्टेंस होना चाहिए वो 2 to 5 mm होना चाहिए. तो ऐसे ही आप इसको एडजस्ट कर सकते हो. ये मुझे काफ़ी ठीक लग रहा है तो इसको एक बार केबल टाई लगा लेते हैं. अब ये जो हमारी वायर है, हम इसको रैप कर लेते हैं अपनी डिस्क की वायर के आसपास ऐसे करके, ताकि क्लीन लगे. अब हम इसको हैंडल बार के आसपास रैप कर लेते हैं. तो जो हम इसको लगाएंगे, हम यहाँ पर इसको लगा लेते हैं बिल्कुल यहाँ पर साइड पे. नाउ लेट्स चेक द हेड यूनिट. अभी आप देखेंगे ये अभी बंद है, तो हम क्या करेंगे, इसके जो पीछे के सेल्स हैं उसको ओपन कर लेंगे. तो अब हमने इसको ओपन कर लिया है. इसमें देखेंगे हम एक सेल निकला है एंड इसे पैकिंग दिखी है. इस पैकिंग को हम हटा लेंगे एंड सेल इसको ऐसे लगा देंगे. नाउ हम नोटिस करेंगे जैसे ही हम ये सेल ओपन करते हैं तो इसमें एक रीडिंग आ जाती है. इस रीडिंग का क्या मतलब होता है, जो आपको सर्कमफ्रेंस होता है आपकी साइकिल के टायर का, वो आप यूज़ करेंगे एंड इसको आप इसमें फीड करेंगे. सर्कमफ्रेंस फाइंड करने के लिए आपके पास ये डायग्राम है, इसमें आप इस कैलकुलेशन से आप कैलकुलेट कर सकते हैं. लेकिन मैं आपको एक ईजी तरीका बताता हूँ उसमें आप क्या करेंगे. ईजी तरीका ये है, आप पहले अपने टायर पर टेप लगा लेंगे, उसको ग्राउंड पर एक बार रोटेट करेंगे, एंड जैसे ही सेकेंड रीडिंग आती है टेप की, आप उसको आराम से मेजर कर लेंगे एंड उस रीडिंग को आप इसमें फिलअप करेंगे. तो उसकी जो रीडिंग आई थी मेरी वो थी 2 meters 15 centimeters. तो जो लास्ट डिजिट है उसको 5 कर लेते हैं, सेकंड लास्ट को 1 कर लेते हैं एंड इज डन. आप इसमें और भी सेटिंग कर सकते हैं, जैसे आपका टाइम क्या है, सब कुछ सेट कर सकते हैं, वो मैं इस वीडियो में नहीं बताऊँगा. इसको टेस्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले इसको स्पीडोमीटर को हम यहाँ पर लगाएंगे इसके माउंट पर. नाउ जो इसका फ्रंट व्हील है उसको थोड़ा सा रोटेट कर लेंगे एंड टेस्ट करेंगे ये काम भी कर रहा है कि नहीं.
आप देखेंगे स्पीडोमीटर की रीडिंग आ रही है एंड यस इट्स वर्किंग। सो अब हम क्या करेंगे, हम ये केबल टाइज लेंगे, इसको यहाँ पर इंसर्ट कर देंगे, तो भी आप देखेंगे हमारा स्पीडोमीटर फिट हो चुका है। अब इसकी फटाफट से टेस्टिंग कर लेते हैं, हम GPS ऐप लेंगे, हम दोनों की स्पीड कंपेयर करेंगे एंड देखेंगे ये एक्यूरेट है कि नहीं। नाउ आई ऑल्सो हैव दिस एक्साइटिंग हार्ट रेट मॉनिटर, इसकी भी फटाफट से अनबॉक्सिंग कर लेते हैं, इसको ओपन कर लेते हैं हम। यू हैव द स्ट्रैप्स, देन यू गेट द मैनुअल एंड इन द लास्ट यू हैव द सेंसर। नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग मैं इसकी अनबॉक्सिंग क्यों कर रहा हूँ, लेट मी जस्ट टेल यू हाउ ऑसम दिस इज। यू कैन जस्ट ओपन दिस स्ट्रैप एंड अपने बॉडी पे आप ऐसे करके लगा लीजिए लाइक दिस। एक वियर चीज़ ये है कि जब आप अपनी बॉडी पे लाएंगे वो नेकेड बॉडी होनी चाहिए एंड ये जो बैंड होगा वो आपकी नेकेड बॉडी पे कॉन्टैक्ट रखेगा, इससे क्या होगा जो आपकी हार्ट रेट होगा वो मेजर हो जाएगा। नाउ द प्राइस ऑफ दिस हार्ट रेट मॉनिटर, इट्स वेरी चीप, इट विल बी फ्लैशिंग राइट हियर। सो नाउ आई एम रेडी फॉर टेस्टिंग, यू कैन सी यहाँ पर मेरा वायरलेस स्पीडोमीटर है एंड यहाँ पर मेरा वायर वाला स्पीडोमीटर है, दोनों को मैंने सेट कर लिया है। लेट्स ऑल्सो ओपन माई फ़ोन, इसमें आप देख सकते हैं मैंने स्ट्रैप ओपन किया हुआ है एंड मेरी हार्ट रेट का डेटा आ रहा है जो कि 74 बीट्स पर मिनट है। अभी मैं थोड़ी सी एक्सरसाइज करूँगा फिर मैं आपको वापस का हार्ट डेटा दिखाता हूँ। लेट मी जस्ट ओपन माई GPS ऐप, नाउ लेट्स जस्ट सी कि ये दोस्त तीनों एक्यूरेट है कि नहीं। सो यू कैन सी 13, 13, 13 सब एक्यूरेट स्पीड आ रही है, काफ़ी एक्यूरेट स्पीड लग रही है मुझे यहाँ पर। नाउ लेट मी ऑल्सो जस्ट टेल यू, ये जो वायर्ड वाला स्पीडोमीटर है वो एग्जैक्ट स्पीड दिखा रहा है, वायरलेस में थोड़ा सा डिले है लेकिन आई लाइक दिस बेटर क्योंकि इसके स्क्रीन भी बहुत ज़्यादा बड़ी है। ये बेसिक है, ये थोड़ा सा एडवांस है एंड आपको और भी ज़्यादा एडवांस लेना है तो शायद मैं उसके भी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। सो मैंने थोड़ी सी एक्सरसाइज कर ली है, अब वापस आता हूँ, अब मैं देखता हूँ मेरा हार्ट रेट कितना आ रहा है। लेट्स ओपन माई स्ट्रावा, 117 एंड दैट इज़ काइंड ऑफ नॉर्मल जब आप एक्सरसाइज करते हो, यानी आप देखोगे थोड़ा सा रिड्यूस हो रहा है। सो ये वाला डेटा आपका स्ट्रावा में भी लिंक हो जाता है आराम से। नाउ लेट मी जस्ट टेल यू अबाउट दी स्पीडोमीटर, इसमें डिफरेंसेस क्या है, सिमिलैरिटीज़ क्या है। पहली बात तो आप ये देखेंगे ये वायरलेस स्पीडोमीटर है, ये वायर्ड वाला है, इसकी कॉस्ट भी बहुत कम है, इसकी कॉस्ट थोड़ी सी ज़्यादा है लेकिन आई वुड रिकमेंड कि आप ये वाला बाई कीजिए एंड जो इसका बटन है वो कैपेसिटिव टच है, लाइक ऐसे आप टच करेंगे आराम से ये चेंज हो जाएगा। अनदर थिंग, इसमें रिमोट आता है, आप ये यहाँ से रिमोट प्रेस करेंगे यहाँ से सारी स्क्रीन चेंज हो जाएगी। जो मैन्युफैक्चरर है उसने कहा है कि दोनों वाटरप्रूफ है, बट आई गेस आप रेन में आराम से इजीली इनको ऑपरेट कर सकते हैं। मेन जो आपकी चीज़ होती है वो इसमें आपकी एक तो स्क्रीन बड़ी है एंड इसमें आपको बैक लाइट मिलती है, लाइक जैसे आपका अगर रात हो चुकी है तो इसमें आपकी लाइट जल जाएगी एंड आपको सारी स्पीड देगी, इसमें आपको नहीं दिखता। ऑब्वियसली इसमें एक वर्जन आता है लाइट वाला, उसका भी लिंक शायद दे दूंगा मैं। एंड इसमें टेम्परेचर आता है, जैसे आप देख सकते हैं 27 डिग्रीज अभी हो रहे हैं, मॉर्निंग का टाइम है, टाइम 9:47 है, इसमें भी टाइम आता है। एवरेज स्पीड दोनों में आती है, मैक्सिमम स्पीड दोनों में आती है, लाइक स्पीडोमीटर दोनों सिमिलर हैं, इसमें थोड़ी सी एडिशनल फीचर्स मिल जाते हैं आपको। बाय द वे ऑन माय ओवरेज आई विल बी यूजिंग दिस स्पीडोमीटर, इसको शायद मैं ऑक्टेन पे लगा दूंगा एंड मैं कब से अपनी एमफैट पे ये वाला स्पीडोमीटर यूज़ कर रहा हूँ, मुझे एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं आई है एंड आई थिंक इट्स वैल्यू फॉर मनी। एंड ऊपर एक वोटिंग का पोल आ रहा होगा, ज़रूर वोट करना कि और मैं कौन सी लाइट्स लगाऊं, ये मुझे थोड़ी सी कम लग गई है। कमिंग टू डिसएडवांटेज ऑफ दीज स्पीडोमीटर्स, द कंपनीज नेम इज सनडिंग एंड दे हैव अ बैड रेपुटेशन ऑफ शोइंग यू द मैक्सिमम स्पीड। जो आपको मैगनेट और जो सेंसर का कॉन्टैक्ट होता है वो हमेशा गलत हो जाता है, कई बार आप खड़ी कर देते हैं साइकिल एंड वो मिसमैच हो जाता है, उसकी वजह से हमेशा इसमें कई बार मैक्सिमम स्पीड गलत आती है। सो हमेशा आप उसको रीसेट कर सकते हैं, नो वरीज। नाउ द सेकंड थिंग इज, ये स्पीडोमीटर कई बार हैंग हो जाता है एंड उसका सिर्फ एक ही रीज़न है कि आपकी बैटरी डाई हो चुकी है। कई लोग ये समझते हैं कि मेरा स्पीडोमीटर बहुत लो क्वालिटी का इसलिए हैंग हो रहा है, लेट मी जस्ट टेल यू उसकी जो बैटरी होती है वो आप चेंज कीजिए, आपका स्पीडोमीटर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नाउ कई बार ट्रबल शूटिंग होती है, आपका जो वायरलेस स्पीडोमीटर रहता है वो नहीं चलता या आपका वायर्ड वाला स्पीडोमीटर है वो नहीं चलता, तो आपको उसको चेक कैसे करें, सबसे पहले तो ये चेक करें आपकी बैटरी ठीक है कि नहीं। सेंसर में बैटरी देखिए अपने वायरलेस की एंड जो वायर्ड वाला है उसके यहाँ पर बैटरी देखें वो ठीक है तो वेरी गुड। देन सेकंड चीज़ ये चेक करें कि आपको जो कॉन्टैक्ट है वो ठीक हो रहा है कि नहीं, मैग्नेट का सेंसर उसके साथ मैच करना चाहिए, जो उसका डिस्टेंस होता है वो भी कम होना चाहिए एंड वो सारा सही है तो ऑब्वियसली आपका स्पीडोमीटर काम करेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, इफ यू थिंक दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल डू लाइक इट, इफ यू वॉन्ट योर फ्रेंड्स टू इंस्टॉल स्पीडोमीटर इन देयर बाइसाइकिल्स डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद देम एंड फॉर मोर कॉन्टेंट लाइक दिस डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब फैट बैग वैभव। This is Fatbagger Vaibhav signing off.